साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीट जीतने वाली बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और ठीक ठाक सरकार चला ही रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ ही दिनों पहले मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने यूपी समेत 4 राज्यों में सरकार भी बनाई। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगी है। इतना ही नहीं, मीडिया में तो यहां तक खबरें आने लगी हैं कि मोदी कैबिनेट में बगावत शुरू होने लगी है और ये बगावत इस कदर है कि सरकार गिराने तक की धमकी दी जाने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र के चर्चित अखबार लोकमत टाइम्स के नागपुर संस्करण के 4 अप्रैल के अंक में मोदी कैबिनेट के एक सीनियर मंत्री का अनौपचारिक इंटरव्यू छापा था, जिसका शीर्षक दिया था ऑल इज नॉट वेल विद बीजेपी टॉप लीडरशिप। इसी खबर में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया गया कि मोदी कैबिनेट के एक सीनियर मंत्री ने दावा किया है कि वो अपने साथ 252 सांसद ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो विचारधारा से बंधे रहे हैं, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लोकमत टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ योजनाओं पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान जब इस मंत्री ने अपनी बात रखी तो मोदी ने उसे काटते हुए ऐसी बात कह दी जिससे ये मंत्री नाराज हो गए और फिर उसी आवेग में उन्होंने मोदी को धमकी दी कि अगर आप में ताकत है तो आप हमको मंत्रिमंडल से निकाल कर देखिए। इस मंत्री ने दावा किया कि वो अपने साथ 252 सांसद ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो विचारधारा से बंधे रहे हैं, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे। इसी मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार में मंत्री बनने से रोका था। कल तक राजनाथ मोदी से बहस करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी समर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, संजय राउत समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं के खिलाफ पड़ रहे जांच एजेंसियों के छापे का भी जिक्र करते हुए लोकमत टाइम्स ने बताया, मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाले इस मंत्री का आरोप था कि मोदी आयकर, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बार उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया तब मोदी का उत्तर था कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वो इसी नीति के आधार पर पहुंचे हैं। लोकमत टाइम्स ने खबर तो छापी लेकिन उसने मोदी के खिलाफ बगावत करने वाले कथित मंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन वेबसाइट भड़ास के मुताबिक जिस पत्रकार शैलेश शर्मा के नाम से यह खबर छापी गई थी, खबर आ रही है कि उस पत्रकार को जरूर नौकरी से निकाल दिया गया और उस पत्रकार के पास कई पत्रकारों के लगातार फोन आ रहे हैं जिसमें उस मंत्री का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन वो नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र के चर्चित अखबार लोकमत टाइम्स ने जब से All is not well with BJP top leadership शीर्षक से खबर छापी है, तभी से मानो नागपुर से दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस मोदी के दम पर बीजेपी लगातार सत्ता के शिखर पर पहुंच रही है, उस मोदी के खिलाफ बगावत की खबर कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद उस मंत्री का नाम नहीं बताया गया है जिसने मोदी के खिलाफ बगावती रुख किया है। लेकिन आपकी नजर में मोदी सरकार का वो कौन सा मंत्री हो सकता है जिसने कथित तौर पर मोदी को चैलेंज कर दिया है कि अपने साथ 252 सांसद ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।